किसी ने मुझसे पूछा, यह जीवन क्या है? जीवन का वास्तविक रूप क्या है? इसकी व्याख्या क्या है? यद्यपि कि अलग अलग विद्वान, अलग अलग दार्शनिक, अलग अलग विचारक अपने अपने मतों के अनुसार तथ्यों की व्याख्या करते हैं, चर्चा करते हैं, मैं इस बारे में समझता हूँ कि जीवन को समझने के पहले, जीवन की वास्तविक व्याख्या को समझने से पहले हमें जीव के वास्तविक रूप को समझना आवश्यक है कि जीव क्या है, जीव का वास्तविक रूप क्या है। यदि हम जीव के वास्तविक रूप को समझें तो हम पाएंगे जीव दो हिस्सों से बना है। एक वह हिस्सा जो स्थूल रूप से हमें दिखता है, जिसे हम शरीर कह सकते हैं, घट कह सकते हैं, या फिर आवरण कह सकते हैं। दूसरा हिस्सा सूक्ष्म रूप में है, जो आत्मा है, जो प्राण है, और दोनों के बीच के सामंजस्य को स्थापित करना, दोनों के बीच के सामंजस्य की स्थापना होना बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से जल में ऑक्सीजन मिली होती है, यदि कोई व्यक्ति पूछे इस ग्लास में भरे हुए पानी में ऑक्सीजन कहाँ पर है, ये कहना मुश्किल है कि कहाँ पर है, कण कण में ऑक्सीजन है। ठीक उसी प्रकार से स्थूल रूप शरीर, सूक्ष्म रूप आत्मा या प्राण, दोनों के बीच का सामंजस्य इतना गहरा है, इंटरमिंगलिंग इतना सुंदर है कि जिन इंटरमिंगलिंग की हम बात कर रहे हैं उसी के आधार पर तो जीव है। यदि दोनों के बीच का यह सामंजस्य स्थापित है तभी जीव है, और जब तक यह सामंजस्य स्थापित है, बना है, तब तक यह जीव जीव है। जिस क्षण इस सामंजस्य में बाधा आती है, जिस क्षण जीव के इन दोनों हिस्सों में सामंजस्य बिगड़ता है, अर्थात शरीर और आत्मा के बीच का सामंजस्य बिगड़ता है या फिर समाप्त हो जाता है, उस समय जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, केवल अवशेष रूप शरीर रह जाता है, जबकि आत्मा, सूक्ष्म रूप या फिर प्राण पृथक हो जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि दोनों के बीच का जो सामंजस्य है वही जीव की आधारशिला है, और वही इंटरमिंगलिंग जीवन को चलाती है, जीव की सभी गतिविधियों को आगे बढ़ाती है, और यही इंटरमिंगलिंग, यही सामंजस्य जीव को निर्जीव से अलग करता है, और इसलिए इस सामंजस्य को बनाए रखना जीव के लिए प्राथमिकता का हिस्सा है। जितनी भी जद्दोजहद रहती है वह इस सामंजस्य को बनाए रखने की है। इस प्रकार जीव के सामंजस्य स्थापित होने के क्षण को, ठीक वह क्षण जिस समय जीव और जीव के जीवन रूपी शरीर और प्राण में सामंजस्य स्थापित होता है, वह जीवन की शुरुआत है, और जिस क्षण शरीर और आत्मा में सामंजस्य समाप्त हो जाता है उस क्षण जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अन्य शब्दों में कहा जाए, जिस क्षण यह सामंजस्य स्थापित होता है वह जन्म कहा जा सकता है। जिस क्षण यह सामंजस्य समाप्त हो जाता है उसी को
मृत्यु कहा जा सकता है। और इन दो कदमों के बीच सामंजस्य स्थापित होने के क्षण अर्थात जन्म से लेकर और सामंजस्य समाप्त होने तक अर्थात मृत्यु, इन दोनों के बीच की कड़ी दर कड़ी जो बदलाव होता है, जो घटनाएं होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, इन्हीं दोनों कदमों के बीच की कहानी तो जीवन है।